हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट्स के सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है और इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट और टर्म्स से आप अच्छे से फेमिलियर हो। साथ ही साथ मैं आपको एक PDF दे रहा हूँ, ये जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ उन सबका, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है वेरियस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इस चैप्टर में आप जानते हो कि दो तीन तरह के करंट्स के और वोल्टेज के नाम यूज हो रहे हैं, जैसे RMS वैल्यू, जैसे एवरेज वैल्यू। तो उनके फॉर्मूले पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, वो है E=E0sin ωt और इंस्टेंटेनियस करंट है I0sin ωt। यानी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको करंट की या वोल्टेज की वैल्यू निकालनी हो तो आप उस इंस्टेंट का टाइम यहां पे पुट करोगे, ठीक है। उसके बाद आती है एवरेज वैल्यू करंट की और वोल्टेज की, जो कि होती है पीक वैल्यू का 0.637 टाइम्स, विच इज द 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। एंड सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इज सेम 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू की, विच इज द RMS वैल्यू। RMS वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू भी बोला जाता है और इफेक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है, जो कि होती है E0/√2, यानी पीक वैल्यू बाय रूट टू। इसको आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 0.707 E0 और 70.7% ऑफ E0। RMS वैल्यू जो है, चाहे वो करंट की हो चाहे वोल्टेज की हो, पीक वैल्यू का 70.7% होती है, राइट। AC सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। यहां पर एक रजिस्टर हमने एक एसी सर्किट के अक्रॉस लगा दिया है, जिसमें हमने EMF लगाया है E0sin ωt और इसमें हमें करंट भी मिलता है I0sin ωt। यानी करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में हैं। यहां पर फेजर डायग्राम होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ इस वीडियो में फॉर्मूले पढ़ा रहा हूं तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है उनके बारे में तो मैंने इसी चैप्टर के डेरिवेशंस वाले वीडियो में उनको अच्छे से समझाया, तो वहां से जाके रिवाइज कर लेना, राइट। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे हों जिनको ये बात ही समझ में ना आए कि यार सेम फेज में होते हैं मतलब क्या, तो फिर आपको फॉर्मूला समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को देख लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं एक सर्किट की जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स यानी E0sin ωt के अक्रॉस। पूरे डेरिवेशन के बाद हमें पता चलता है कि इसमें जो करंट आता है वो I0sin ωt − π/2 आता है, थीटा नहीं, दिस इज नॉट थीटा, दिस इज ओमेगा टी, ठीक है। इसमें जो करंट आता है वो क्या आता है, I0sin ωt − π/2, यानी कि करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाय टू एंगल से लैग करता है, यानी पीछे चलता है। इसका भी अगर आपको नहीं मतलब पता तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, ठीक। अच्छा, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर में एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करती है, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसको XL से डिनोट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है ω × L। ओमेगा होती है इस करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। और अगर ये AC ना हो DC हो तो ओमेगा जीरो होगा, तो XL नहीं होगा, राइट। और आप जानते हो ओमेगा 2π ν होता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL क्या हो गया, 2π ν L। AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। अगर हमने सिर्फ कैपेसिटर लगा रखा है एक AC वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस और E0sin ωt हमने वोल्टेज लगाई, तो हमें करंट मिलता है I0sin ωt + π/2, यानी कि कैपेसिटर में करंट पाई बाय टू के एंगल से लीड करता है, राइट। इसमें भी एक ऐसी क्वांटिटी मिलती है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है और उस क्वांटिटी को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको XC से डिनोट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/ωC। सी मतलब इसका कैपेसिटेंस, यानी 1/2π ν C। और अगर ये AC ना हो DC हो तो DC की फ्रीक्वेंसी होती है जीरो, यहां डिनोमिनेटर में जीरो रखा तो XC हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि डायरेक्ट करंट को एक कैपेसिटर जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक।
सीरीज एलसीआर सर्किट, अब हमने क्या किया एल सी और आर तीनों को सीरीज में लगा दिया, तो यहां पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मिलती है जिसको बोला जाता है इंपीडेंस। इंपीडेंस वो क्वांटिटी है जो इस सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करती है, यानी रेजिस्टेंस का रोल प्ले करती है। इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों ये अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना, एक्सएल एक्सी आपको बता दिया मैंने, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। और करंट और वोल्टेज के बीच में यहां पे फेज डिफरेंस कितना होता है वो आप निकाल सकते हो टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर से। जितने भी फॉर्मूले हैं सीरीज एलसीआर सर्किट के वो आप एक ट्राइंगल से याद रख सकते हो जिसको बोला जाता है इंपीडेंस ट्राइंगल। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, इस वाले एंगल को फाई लेना है, इसको जेड लेना है हाइपोटन्यूज को, परपेंडिकुलर को आपने एक्सएल माइनस एक्सी लेना है और बेस को आपने आर लेना है। आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, चाहे इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा जो मर्जी निकालो, जो भी आप निकालोगे वो फॉर्मूला सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए भी बिल्कुल करेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो आपको मिलेगा z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जो अभी हमने इंपीडेंस का फॉर्मूला देखा। अगर आप फेस डिफरेंस निकालना चाहते हो तो आप टेन फाइ क्या लगाओगे एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, तो टेन फाइ एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर होगा, तो फाइ टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर हो जाए, है ना। सीरीज एल आर सर्किट, अब सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टर अगर सीरीज में लगे हैं तो उसके फॉर्मूले आप कैसे याद रख सकते हो इंपीडेंस ट्रायंगल से। इस इंपीडेंस ट्रायंगल में यहां से वो वाला पार्ट हटा दो जो इस सर्किट में नहीं है, यानी ये सीरीज एलआर सर्किट है। एलआर सर्किट का मतलब है कि एक इंडक्टर लगा है और एक रेजिस्टर लगा है एक सीरीज वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, तो कैपेसिटर नहीं है ना इसमें, इसमें कैपेसिटर नहीं है, तो यहां से क्या चेंज करोगे आप इस इंपीडेंस ट्रायंगल में, आप यहां से कैपेसिटर वाला पार्ट हटा दोगे तो यहां पर सिर्फ एक्सएल लिखा हुआ आएगा। तो बताओ इसका इंपीडेंस क्या बना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और इसमें फेस डिफरेंस टेन फाई क्या बना एक्सएल बाय आर, तो फाई हुआ टेन इनवर्स एक्सएल बाय आर। सीरीज सीआर सर्किट यानी कि सिर्फ एक कैपेसिटर और रजिस्टर अगर सीरीज में लग जाए एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, तो क्या करें यहां पे एक्सएल माइनस एक्सी था ना, अब यहां से एक्सएल हटा दो, यहां पे सिर्फ आप क्या लिखो एक्सी लिखो, तो फिर बताओ इस सर्किट का इंपीडेंस क्या होगा अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां पर करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा टेन फाई एक्सी बाय आर, है ना, तो टेन फाई एक्सी बाय आर होगा, तो फाई होगा टेन इनवर्स एक्सी बाय आर, राइट। तो सिर्फ रेजिस्टर लगा हो तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस जीरो, अकेला इंडक्टर या अकेला कैपेसिटर लगा हो तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 90, और तीनों लगे हो तो बता दिया टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, है ना, दो दो करके लगे हो तो फेज डिफरेंस क्या होगा करंट और वोल्टेज के बीच में वो भी बता दिया। रेजोनेंस कंडीशन, बच्चों रेजोनेंस कंडीशन उसको बोलते हैं जब एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाता है। एक्सएल और एक्सी के इक्वल होने से क्या होगा, देखो इंपीडेंस है अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा तो जेड इक्वल टू आर आएगा विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, है ना, क्योंकि ना ये नेगेटिव हो सकता है ना ये नेगेटिव हो सकता है और ये तो जीरो भी नहीं हो सकता भाई, रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा ही ना, यानी कि जेड मिनिमम तब होगा जब ये वाली टर्म जीरो होगी, और ये जीरो कब होगी जब एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। तो जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं और जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना। एक्सएल और एक्सी को अगर आप इक्वल रखोगे तो एक्सएल क्या होता है 2 पाई न्यू एल, और एक्सी क्या होता है, एक्सी होता है 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी, है ना। अब ये दोनों इक्वल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हैं जिसको हम न्यू आर से डिनोट कर रहे हैं। अब आप इस इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो तो आपको पता चलेगा कि न्यू आर की वैल्यू ये आई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एक इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर फॉर एनी इंस्टेंट,
मतलब L उसका सेल्फ इंडक्टेंस है, एक इंडक्टर सोलिनॉइड, समझते हो ना। तो एक सोलिनॉइड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो सोलिनॉइड के अंदर बैटरी जो सोलिनॉइड पे वर्क करेगी उसमें करंट बिल्ड करने के लिए वो वर्क सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उस मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, वेयर एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड और आई नॉट जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करके थोड़ा सॉल्व करते हैं तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। ठीक है, बी आप जानते हो जो सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और म्यू नॉट आप जानते हो मैग्नेटिक परमेबिलिटी, अगर सॉलिनॉइड के अंदर कोई और मीडियम होगा तो आप उस मीडियम का म्यू डालेंगे, राइट। पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट, बच्चों पावर का फॉर्मूला जो सीरीज एलसीआर सर्किट का होता है वो होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, फाइव फेज डिफरेंस जो है, राइट, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अगर हम इंपीडेंस ट्राइंगल की बात करें सीरीज एलसीआर सर्किट में, तो कॉस फाइव क्या आएगा, देखो ये जेड था, ये आर था, ये फाइव था, और ये एक्सएल माइनस एक्सी था, कॉस फाइव होगा आर बाय जेड, है ना। कॉस फाइव क्या आएगा, कॉस फाइव आएगा आर बाय जेड, ठीक। ये तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, समझे। और प्योर प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, यानी सिर्फ इंडक्टर लगा है या सिर्फ कैपेसिटर लगा है, तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री, और कॉस 90 होता है जीरो, तो एवरेज पावर क्या आएगी प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, जीरो फॉर वन कंप्लीट साइकिल। दिस इज वॉट, दिस इज नॉट द इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज नॉट द पावर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, दिस इज एवरेज पावर पूरे एक साइकिल के लिए सीरीज एलसीआर सर्किट की ये होती है, या एलआर सर्किट या सीआर सर्किट पे लगा लो यही फॉर्मूला, ठीक है। कॉस फाइव को बोला जाता है पावर फैक्टर, क्योंकि हर एक सर्किट के लिए ई आर एम एस और आई आर एम एस तो सेम ही रहेगा, इसकी वजह से पावर चेंज हो रही है ना, हर एक सर्किट में जो वैल्यू चेंज हो रही है पावर की हर टाइप के सर्किट में, वो इस पार्ट की वजह से हो रही है, दिस पार्ट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है R by Z, ठीक। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या है बच्चों, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाने या घटाने में यूज होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाता है और अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को कम करता है। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को कम करता है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को बढ़ाता है, राइट। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसमें इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप सर्च कर लेना, बहुत ही अच्छे से वहां पे ट्रांसफार्मर मैंने समझाया है। बट ट्रांसफार्मर में एक आयरन कोर होता है लैमिनेटेड, जिसमें दो कॉपर कॉइल्स लपेटी होती हैं ऐसे, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और दूसरी वाली को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इनपुट एसी हम यहां लगाते हैं जिसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करना हो, आउटपुट हमें यहां मिलता है स्टेप अप या स्टेप डाउन होने के बाद, राइट। इनपुट में जो हम वोल्टेज लगाते हैं वो है ईपी, आउटपुट में हमें जो वोल्टेज मिलता है उसको हम ईएस से डिनोट करेंगे, इनपुट कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको एनपी से, आउटपुट कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको एनएस से डिनोट करेंगे, इनपुट कॉइल में जो करंट है वो आईपी है और आउटपुट कॉइल में जो करंट है वो आईएस है। तो ES by EP equal to NS by NP होता है और दैट इज इक्वल टू IP by IS, ये याद रखना आप। ट्रांसफार्मर की वर्किंग सिर्फ इतने से पार्ट पे बेस्ड है कि जो रेशियो रहती है वोल्टेज की वो नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो के बराबर होती है, तो जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा होती हैं उस तरफ वोल्टेज उतनी ज्यादा होती है। जैसे मोटा मोटा देखें तो ये दो टर्न्स हैं और ये एक दो तीन चार पांच टर्न्स हैं, राइट, छह टर्न्स हैं, मान लो ये दो हैं ये छह हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इसके मुकाबले तीन गुना ज्यादा है, तो यहां आप जितनी भी वोल्टेज लगाओगे 10 वोल्ट, तो यहां कितनी हो जाएगी 30 वोल्ट, ठीक है। एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए ES बड़ा होगा यानी सेकेंडरी वोल्टेज, क्योंकि बढ़ा रहा है ना वो, जैसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। दो डिजाइन है इसके, याद रखना, एनसीईआरटी में दो डायग्राम दिए हुए, राइट। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए ES बड़ा होता है, EP छोटा होता है, तो ES by EP यानी ये रेशियो 1 से बड़ी होती है, इसको K से डिनोट करते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए ES छोटा होता है, EP बड़ा होता है, यानी ये रेशियो K 1 से छोटी होती है। ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100 होती है। पावर का फॉर्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज,
आउटपुट पावर हो गई ई एस इंटू आई एस, इनपुट पावर हो गई ईपी इंटू आईपी इंटू 100, राइट। तो इस सेशन में इतने ही फॉर्मूले आपको करने हैं इस चैप्टर से, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।